बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव के लिए आरजेडी ने अपना प्रचार गीत लॉन्च किया है। गाने में बिहार दिखाया गया है कि कैसे बिहार बदलाव के लिए ललायत है। बिहार ने मजदूरों की पीड़ा देखी है, बिहार की तस्वीर बदलेगी, लोग मुख्यमंत्री को ढूंढ रहे थे। बिहार ने 15 वर्षों में तमाशा हासिल किया है। पार्टी का दावा है कि यह वीडियो बिहार में बदलाव लाने की शुरुआत है। गानों को लॉन्च करते हुए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और राज्यसभा सांसद मनोज झा पार्टी दफ्तर में मौजूद थे। मनोज झा ने आरजेडी के चुनाव के थीम सॉन्ग को लॉन्च करते हुए कहा कि यह गाना बिहार में बदलाव की हवा को महसूस करके तैयार किया गया है। साथियों, इसके तुरंत बाद एक कैंपेन सॉन्ग है। मैं एक बार पुनः बताऊं कि बिहार के लोगों का एजेंडा ये हमारा एजेंडा नहीं है। 15 साल में शून्य के सिवा सिफर के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य, रोजगार का मसला हो, आप में से कोई भी नहीं, तमाम बात हम सब ने सुनी है। अब वो तस्वीरें बिहार में फिर नहीं दिखेंगी, पूरा बिहार तेजस्वी होगा, हर क्षेत्र तेजस्वी होगा।
राष्ट्रीय जनता दल को वोट दी। इस बार तेजस्वी भव बिहार। शुक्रिया साथियों, आपने जैसा देखा एक एक मुद्दे कैंपिंग वीडियो को अगर आपने देखा और उधर कैंपिंग सॉन्ग को देखा है, ये मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ, जब ये कहा जा रहा है कि इस बार तेजस्वी तय है, ये बिहार के बारे में, बिहार के हर क्षेत्र के बारे में, हर इंसान के बारे में, हर नागरिक के बारे में और हर कर्मचारी के बारे में, हर व्यक्ति के बारे में, जो मैंने कहा व्यक्ति से समष्टि की यात्रा है, इस बार तेजस्वी तय है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले कैंपिंग वीडियो और कैंपिंग सॉन्ग के साथ आपके बीच पुनः आएंगे। शुक्रिया, जय हिंद। बक्सर में एक दलित बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है जी, महिला के साथ। देखिए एक बात तो जान लीजिए, इस तरह की कोई घटना कहीं से भी आती है, रोंगटे खड़े होते हैं और ये समाज में एक बीमारी का द्योतक है। जब सरकार पितृसत्ता की वैचारिकी के आधार पर संस्थानों को प्रोटेक्ट करने लगे, जो हमने हाथरस में देखा उसकी पुनरावृत्ति, और मुझे दुख है हम इस चुनाव में जा रहे हैं, संविधान से चुनाव उपजा है और संविधान से ही हकूक तय हुए हैं। अगर संविधान के पन्नों के प्रति चाहे यूपी हो या बिहार हो आपकी प्रतिबद्धता नहीं है, फिर आपके लोक जीवन में बने रहने का भाव। एक सवाल है, मंजू वर्मा जो है, एक मिनट, हाँ, मंजू वर्मा जेडीयू के उम्मीदवार हैं, पूर्व मंत्री रही हैं, उन्होंने कहा कि यादव जाति का संबोधन करते, उन्होंने कहा कि कुकर्मी होते हैं यादव। मैं सिर्फ मंजू जी के स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। सार्वजनिक जीवन में किसी के लिए भी इस प्रकार की टिप्पणी उचित नहीं है, अशोभनीय है, अवांछित है। चुनाव में हम एक दूसरे के विरोध में हों, लेकिन विरोध को इतने गदले स्तर तक न ले जाए ना कि चुनाव खत्म हो जाए, लेकिन वो वातावरण जो जहर बन जाता है वो खत्म हो। मैं तो फिर उनसे आग्रह करूंगा, इस तरह के बयानों से परहेज करें, आप मंत्री नहीं हैं। एक सवाल मेरा है, राजस्थान में फिर साधुओं की हत्या हुई है, उस पर रमेश चंद्र मीना जो वहाँ के लोकल कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हाथरस जैसा मामला नहीं है। नहीं, मेरा सीधे तौर पर मानना है कि कोई भी इस प्रकार की घटना हो उसका अनुसंधान हो, अनुसंधान को कोई प्रभावित न करे और ये तय हो कि जो भी गुनहगार है त्वरित न्यायिक कार्रवाई के माध्यम से उनको उस जगह पहुंचाया जाए जहां से नजीर किए जाए। चित्कार नहीं भूले, वो पहले भूल गए, भूलने की उनकी पुरानी आदत। आप लॉन्च कर रहे हैं अपना, लेकिन जो विरोधी पार्टियां हैं यानी कि जो जेडीयू और बीजेपी कह रही है, दो तिहाई बहुमत से आएंगे। मैं तो कह सकता हूँ, अगर हसीन सपने कोई देखना चाहे तो मैं उनके सपनों पर पाबंदी कैसे लगा सकता हूँ, मेरी हैसियत ही नहीं। मनोज जी, फाइनल लिस्ट कब जारी होगा उम्मीदवारों की? अब तक लिस्ट जारी नहीं, आधिकारिक तौर पे कोई नहीं, आधी रात को टिकट बढ़ जाए। आपको एक बात बताते हैं, क्या होना, तीन फीज है, तीनों फीज के बीच में गैप नहीं है। संभवतः 15 तारीख को सारे गठबंधन दल हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वयं नेतृत्व करते हुए यहाँ बैठेंगे, ताकि ये भी पता चले कि पूरे गठबंधन में सामाजिक आधार क्या रहा। वो तब तक जरूर नहीं संभव है जब तक दो तीन कांग्रेस के भी कुछ है, वो हम खत्म करके आपके बीच आएंगे। और अगर एक बात मैं बताना भूल गया, बहुत जल्द हमारे प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी आपके समक्ष हमारा मैनिफेस्टो रखेंगे, और वो मैनिफेस्टो में चाहूंगा आप सब गौर से पढ़े। वो मैनिफेस्टो सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, रिवाज नहीं है, वो मैनिफेस्टो प्रण हमारा है संकल्प के बदलाव के साथ, बदलाव के संकल्प के साथ और इस कमिटमेंट के साथ। ये सब सच चुनावी अभियान कब से शुरू होगा? आपका संकल्प जो है वो ज्वाइन होगा या फिर अलग होगा? किसका? महागठबंधन का पूरा? नहीं, महागठबंधन में एक होता है कॉमन मिनिमम एजेंडा और एक होता है दलों का अपना घोषणा पत्र, अलग अलग दल है, उन दलों की भी अपना दायित्व है, वैचारिकी का अलग स्तर है, लेकिन हमारा घोषणा पत्र जो है
चोट नहीं लग रहा है। हमारे घोषणा मतपत्र के माध्यम से आपको एक संदेश चला जाएगा कि हम जब कहते हैं ओजस्वी हो बिहार, तेजस्वी हो बिहार, तो सिर्फ व्यक्ति की बात नहीं है, समाज में हम लोग शुभ बदलाव की बात। शुक्रिया सर, जय हिंद। नहीं देखिए, इस बार कैंपेन ज्वाइन करना थोड़ा कोशिश होगी, कहीं नहीं हो, लेकिन आप देखें इस बार हर पार्टी को हाइब्रिड मॉडल में जाना है। मतलब एमएचए का ऑर्डर है 9 अक्टूबर का, वो कहता है हॉल में, वो ऑर्डर कहता है हॉल में आधी कैपेसिटी पर और 200 लोगों से ज्यादा नहीं। खुले मैदान में संख्या बल का जिक्र नहीं है, लेकिन मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि हाइब्रिड मॉडल है। पर आप देख लीजिए आज 12 तारीख हो गई है, तो अब आवश्यकता इस बात की है अपने अपने मॉडल को लेकर के जहाँ हो एक प्रतीक के रूप में ज्वाइन में जाए। हाँ, कल से ही शुरू हो रहा है लगभग, कल हसनपुर जाएंगे, उसके बाद से शुरू हुआ। शुक्रिया, जय हिंद, जय बिहार।